ये रात में त्रिपुरा के जंगलों में ना हम एक केकड़ा पकड़ने आए हैं। एक और केकड़ा पकड़ लिया, देख रहे हो कैसा है, क्या बड़ा केकड़ा पकड़ा है। पानी की आवाज कितनी अच्छी लग रही है, समझ नहीं आ रहा किस रास्ते जाएं, किस रास्ते जाएं, किस रास्ते जाएं। ये देख रहे हो क्या खतरनाक रास्ता है यार। तो भाई जी और अंकल जी ना रास्ता भूल चुके हैं, जगह जगह लग गए कांटे। हेलो जी, कैसे हैं आप लोग? भाई मैं बहुत बढ़िया हूँ। तो आपने लास्ट ब्लॉग देखा होगा कि हमने एक रियांग फैमिली के घर में रुके थे, और अभी थोड़ा सा एडवेंचर करने के लिए रात में जा रहा हूँ। ठीक है, अभी है क्या कि ना, जैसे गांव का जो कल्चर होता है, रियांग लोगों का जो कल्चर होता है, या बोल लो कि नॉर्थ ईस्ट लोगों का जो कल्चर होता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे सर्वाइवल होता है, कैसा मतलब इनका लाइफ स्टाइल होता है। तो मैं वो सोच रहा था बहुत दिनों से कि वो मेरे को दिखाने का मौका मिले। तो आज जहाँ पर मैं रुका हुआ हूँ ना, तो वो लोग जंगल में जा रहे थे कुछ केकड़े वगैरह पकड़ने के लिए। तो मैंने कहा भाई ऐसा मौका मैं तो नहीं छोड़ूंगा, चलते हैं, थोड़ा आपको भी दिखाते हैं कि कैसे रात में जाते हैं जंगल में केकड़े पकड़ने, और रात में ही क्यों जाते हैं। अभी भाई लोगों से बात करेंगे जो साथ में चल रहे हैं। थोड़ा सा मैंने कहा आपको हिंट दे दूं कि कुछ अलग करने वाला, मतलब जिस चीज़ों के लिए मैं ट्रैवल करता हूं ना भाई, एक्सपीरियंस के लिए, देखो ये चीज़ अच्छी लगती है, ये वाला एक्सपीरियंस मेरे को अच्छा लगता है, क्योंकि लोकल लोगों के साथ में कुछ ऐसा एडवेंचर करना। ठीक है, बाकी देखते हैं भाई। भाई लोगों ने बोला कि कच्छे में चलना, तो कच्छा पहना हुआ है, मैंने शॉर्ट्स पहने हुए हैं, ठीक है, पैंट नहीं पहनी है। और वहाँ पे ना सबसे ज़्यादा तो रिस्क है, एक तो जंगल होगा, गीली मिट्टी होगी, फिसलने का खतरा, दूसरा जोंक का खतरा होता है भाई, जोंक चिपक गई ना वो निकालना बड़ा मुश्किल होता है, फिर वो घर पे आके निकलेंगी साबुन के पानी से या नमक वगैरह से। तो भाई साहब मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, देखो पूरा व्लॉग देखना मजा आएगा। हमारे साथ में जा रहे हैं भैया जी। हेलो भैया, कैसे हो? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंचन रियांग है। अंचन रियांग, तो एक हमारे साथ भैया जी आ रहे हैं, अंचन रियांग भैया जी, और हमारे साथ अंकल जी जा रहे हैं। अंकल जी नमस्कार। काशीराम रियांग, कैसे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं हम लोग आज? केकड़ा पकड़ने के लिए जंगल में। कितने केकड़े लाएंगे पकड़ के? थैला भर के लाना है क्या? अरे वाह, कोई बात नहीं, अब जा रहे हैं तो मिल ही जाएगा। और भी जानवर होते हैं जंगल में? जंगल में ऐसे जानवर होते हैं। अच्छा, सांप वगैरह तो होते होंगे? अजगर, अजगर भी होता है भाई साहब। ये पहाड़ वाला केकड़े है, और ये बहुत खतरनाक होता है। खतरनाक होता है, करने से बहुत ताकतवर होता है। बहुत ताकतवर होता है ना, बिल्कुल प्लास जैसा होता है, एक बार पकड़ लिया तो पकड़ लिया। मोटा होता है। अच्छा भाई, वैसे अंदर अंदर हमको अभी जंगल की तरफ को जाना है, तो शायद यहाँ से हम लोग घुसेंगे जंगल में। अब अंकल जी ने तो अपनी टॉर्च जला ली है, मैं भी अपनी टॉर्च निकाल लेता हूँ, हेडलैम्प है मेरे पास। बाकी मिट्टी देख रहे हो भाई साहब, ऐसी स्लिपरी सी मिट्टी है। सब लोग चप्पल में आए और शॉर्ट्स में आए, भाई लोग भी शॉर्ट्स में आए, मैं भी शॉर्ट्स में आया हूँ। यहाँ से होगी भाई अपनी एंट्री। टुन टुन टुन। अरे भाई साहब ये तो लांग के जाना पड़ेगा खली स्टाइल में। चलो भाई, ये आवाज किस चीज का आ रहा है? मेंढक क्रिकेट जो बोलते हैं, क्रिकेट क्रिकेट, ओके। ज्यादातर इस सीजन में होता है। बारिश में नहीं, अभी तो जूम का फसल काटने का टाइम है ना। हाँ। इस सीजन में वो ये जो क्रिकेट जो है ना। हाँ। वो करता है। अभी विंटर सीजन चलाएगा ना, उस टाइम वो लोग चुपचाप हो जाएगा, चुप हो जाएगा। हाँ। तो इस सीजन में पकड़ जाता है। अच्छा, तो आप लोग डेली जाते हैं क्या पकड़ने के लिए? डेली नहीं, कभी कभी। इस साल का आज ही पहला। अच्छा, इस सीजन का पहला केकड़ा। चलो देखते हैं सीजन का पहला कैसा रहता है, दिन आपका बोनी होती है कि क्या रहता है। मैं
आप लोग जैसे जाते हो जंगल में आपको डर नहीं लगता सांप का कि सांप काट लेगा केकड़ा काट लेगा? नहीं पूरा स्लो मोशन से हटने से बहुत रिस्की हो जाता है। स्लो मोशन में चलने में तो तेज तेज चलना है। तेज चलने से वो झुकती नहीं पकड़ पाएगा और सांप वगैरह होने से भी हाँ। वो काटने का चांस नहीं मिलेगा। मतलब खड़े नहीं रहने की जगह पे खड़ा रहना तो साफ जगह पे खड़े रहने से वो आपको डस सकता है डस सकता है। अच्छा भाई साहब टाइम में तो वो लोग पकड़ नहीं पाएगा। हाँ रास्ता ढूंढ रहे शायद अंकल लोग कि कौन से रास्ते से जाएं वो डिसाइड कर रहे हैं। और ये सीजन का पहला भी है ना तो पहली बार आ रहे हैं तो रास्ते का शायद आइडिया भी नहीं होगा कि कैसे कैसे रास्ते से जाना है। और देखो रास्ता ढूंढ रहे हैं टॉर्च लगा लगा के कि कहाँ से चला जाए कहाँ से नहीं जाया जाए। भाई साहब बड़ा डेंजरस लग रहा है देखने में तो खड़ा नहीं रहना एक जगह पे भाई मैं खड़ा क्यों चलते रहो। हाँ बहुत दिन हुआ ना हाँ जाने वाला जगह तो और भी लोग आते होंगे वैसे तो पकड़ने के लिए। अच्छा रास्ता तो बना हुआ है जाने का भाई साहब ये ऐसे रास्ते हैं कि उजालों में बिना चला जाए इनमें हम अंधेरे में जा रहे हैं। पहले हम लोग ऊपर की तरफ को चढ़े थे अब हम लोग नीचे की तरफ को जा रहे हैं। नदी के पास ही रहते हैं केकड़े? नदी में ही रहते हैं? अच्छा चलो भाई देखते हैं कैसे पकड़ते हैं। मतलब आपको रास्ता नहीं पता है खो गए थे जंगल में 2-3 साल पहले आया था? अच्छा हाँ अरे भाई साहब ओह बहुत स्लिपरी रास्ते हैं। भाई मैं ना बचपन से मैन वर्सेस वाइल्ड का फैन रहा हूँ और आज ना पूरी वही वाली फीलिंग आ रही है क्योंकि भाई साहब ये वाला जंगल पूरा सांपों से भरा हुआ है और जिन लोगों के साथ में मैं आया हूँ वो भी 3 साल पहले आए थे केकड़े पकड़ने के लिए और उनको एग्जैक्ट रास्ते भी नहीं पता। रास्ते ढूंढते ढूंढते हम लोग जा रहे हैं खाई की तरफ को। एक खाई है उस खाई में एक नदी है नदी में पत्थरों के बीच में केकड़े रहते हैं तो उनमें हाथ दे के केकड़े पकड़ने होंगे। पहले मैं देखूँगा ये लोग कैसे पकड़ते हैं फिर इसके बाद मैं भी केकड़े पकड़ूंगा। तो भाई जी और अंकल जी ना रास्ता भूल चुके हैं अभी किसी को फ़ोन किया जा रहा है उनसे रास्ता पूछेंगे कि भाई किधर से जाना है क्योंकि एक रास्ता यहाँ जा रहा है एक रास्ता यहाँ जा रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत टाइम पहले आए थे अंकल जी लोग अब किसी दोस्त को पूछ रहे हैं। भाई साहब मच्छर बहुत ज़्यादा है और ऑलमोस्ट लपेट के लाया हूँ मैं फिर भी बहुत मच्छर लग रहे हैं लेकिन एक्साइटमेंट उससे ज़्यादा है भाई। भाई रास्ता पता लग गया हम ज़्यादा आगे आ गए वही भाई लोग कह रहे इतना तो नहीं चलना पड़ता था हम कुछ ज़्यादा आगे आ गए तो अभी वापस को जा रहे हैं पीछे की तरफ को। बात करते करते अंकल जी लेके जा रहे हैं हमें। भाई साहब इतनी बड़ी बड़ी घासों में आ गए हम और जैसे ही चल रहे हैं ना पीछे से घास हिल रही है तो ऐसा लग रहा है पीछे से कोई आ रहा होगा। मेरे को भाई कोई डर नहीं है बस मेरे को ना सांप का डर है भाई सांप अपना काट ले लीच बीच तो केकड़ा कूड़ा भी देख लूंगा एक बार को लेकिन सांप सबसे खतरनाक वही है।
भाई साहब वापस जा रहे हैं हम लोग, जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था ना अब उसी पॉइंट पे उल्टा जाना है, लगभग 3-3.5 किलोमीटर जंगल में दोबारा से बाहर को जाना है। हम बिल्कुल ना नदी तक पहुंच गए थे जिस नदी में से हमको केकड़े निकालने थे, लेकिन नीचे उतरने का ना रास्ता नहीं था वहाँ पे, तो अभी हमको वापस जाना पड़ा है। पता लगा कि हम गलत रास्ते से आ गए, नदी में उतरने का रास्ता वो दूसरी तरफ को है। भाई साहब देखो क्या खतरनाक रास्ता है, बहुत डेंजरस है ना अंकल जी। अंकल के दोनों हाथ और भरे हुए हैं, वैसे मेरे हाथ भी भरे हुए हैं, हाथ में टॉर्च है, हाथ में फ़ोन है। अंकल तो गिर भी गए एक बार स्लिप हो गए थे, केले के पेड़ पे पैर पड़ गया था अंकल का उसकी वजह से। भाई साहब ये देख रहे हो क्या खतरनाक रास्ता है यार, हाँ लग रहा है हम फिस फंस चुके हैं। क्या हुआ, क्या वो रास्ता नहीं है, पता नहीं लग रहा, फिर फोन अ फ्रेंड एक्सपर्ट की राय ली जा रही है, फिर से फोन अ फ्रेंड किया जा रहा है। 50-50 का भी ऑप्शन नहीं है ना, क्योंकि दोनों तरफ रास्ते नहीं दिख रहे हैं, इधर भी नहीं जा सकते इधर भी नहीं जा सकते। देख लो भाई साहब क्या कांटे पड़े हुए इधर, खतरनाक पसीने निकल गए भाई को, देखो कितने पसीने आ रहे हैं। फिर भाई लगभग हम 1.5 किलोमीटर चल के आए हैं और ना फिर ऐसा कंफ्यूजिंग वाला रास्ता आ गया, 2-3 रास्ते हैं, समझ नहीं आ रहा किस रास्ते जाएं, इस रास्ते जाएं किस रास्ते जाएं। तो अभी इस रास्ते पे खड़े, एक रास्ता ये इधर को जाने का भाई साहब क्रेजी सीन हो रहा है किधर को जाएं। और अभी हम ना वो सामने की तरफ एक पहाड़ है, उस पहाड़ पे पहुंच गए थे, फिर उतर के पूरा वो पहाड़ आए दोबारा से, अब इधर की तरफ को जा रहे हैं। लोग बोलेंगे मेरे को ये पागल हो गया, ये घूमने गया पता नहीं क्या कर रहा है। ओ शिट, ओ भाई बहुत कांटे, कंधे छिल गए पूरे, पूरा भाई चारों तरफ बांस का जंगल है ये। भाई साहब रास्ते नहीं पता लग रहे हैं, बस तुक्के मारे जा रहे हैं अब तो भाई सब हालत खराब हो चुकी है हम सबके ना, देख लो ऐसा ब्लड निकल रहा है मेरे, ऐसे कंधे पे फेस पे जगह जगह लग गए कांटे, और भाई के भी लग गए ऐसे 3-4 जगह कांटे। रास्ते ना और ज़्यादा खतरनाक हो चुके हैं इस टाइम, अभी हम एक बैम्बू के जंगल में आ गए और चारों तरफ ना इसी तरह के बैम्बू ही बैम्बू हैं, और रास्ता समझ में नहीं आ रहा कि किधर जाना है, और बड़ा डेंस जंगल है भाई, और यहाँ पे ना हमको मूवमेंट करती रहनी होगी, एक जगह खड़ा होना बिल्कुल सेफ नहीं है, हम एक जगह खड़े होंगे तो लीच चिपकने का खतरा और सांप काटने का खतरा हम पे बना रहेगा भाई, बिल्कुल मैन वर्सेस वाइल्ड वाली वाइब दे रहा हूँ, नहीं दे रहा हूँ भाई साहब। 3-4 बार गिर चुका हूँ मैं बहुत भयंकर तरीके से, और चलते वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, रुक रहा हूँ तभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी चलते हैं आगे की तरफ, क्योंकि अगर फ़ोन पकड़ूंगा तो गिर जाऊँगा। बड़ा खतरनाक सा रास्ता है, हमको जंप मार के जाना पड़ेगा, बहुत भयंकर रास्ता है यार। अंकल तो उतर गए, लास्ट में मैं ही रह गया हूँ, अब चला जाए, चलो मेरा नंबर, उतरता हूँ भाई। फाइनली पानी की आवाज़ आने लगी है, लगता है नदी आसपास में है, हम पहुँच चुके हैं मंजिल पे, और भाई यहाँ तक तो पहुँचने के लिए ना मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हुई है, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हुई है। अगर मेरे साथ में कोई मेरा ट्रैवल पार्टनर होता ना रास्ते में से वापस ले आता, पहले तो आता ही नहीं कोई। चलते हैं भाई लोग आगे को निकल गए, मैं ही पीछे रह गया। और रास्ते देख लो अब ऐसा, एक ऐसी ना खाई सी है पानी की, इस खाई से मैं हमको ऐसे उतर के जाना पड़ रहा है, अब पानी के सहारे सहारे हम लोग जा रहे हैं नीचे की तरफ को। अब ये नाला सा बना हुआ एक, इसी नाले में होते होते हमको नीचे, अरे ये तो दलदल है, इसी रास्ते आना है क्या? अच्छा मुझे लगा चप्पल टूट गया, लेकिन चप्पल बच गया, पैर में थोड़ी सी खरोच आ गई है, ओह मिट्टी बहुत ज़्यादा चिकनी है। ओ भाई फाइनली
पानी की आवाज कितनी अच्छी लग रही है। थोड़ा सा हाथ धो लेते हैं, थोड़ा सा पैर भी धो लेते हैं। अब हमको नदी के सहारे सहारे चलना है उस जगह पे जहाँ पे केकड़े मिलेंगे। क्या मिला? ओ भाई, बोनी हो गई। मिल गया। ओए, ये तुमने तो ऐसी पकड़ लिया, काटता नहीं है। सोया हुआ है क्या? अभी भाई साहब, भाई ने सीधा देखा भाई की बोनी होगी, पानी में उतरती भाई को केकड़ा मिल गया। चलो भाई रखो, ये काटता नहीं है क्या? काटता है। ये तो पैक हो रखा था, उसको डर लग गया। सिस्टम से पकड़ना पड़ता है। सिस्टम, थोड़ा सिस्टम हम भी बताना, हम भी पकड़ेंगे केकड़ा। तो बड़ा छोटा सा केकड़ा था, बड़ा भी होता है। चलो भाई, अब इस नदी में हमको केकड़े ढूंढते हुए जाना है और थोड़ा ध्यान रखना है कि केकड़े ही पकड़ें, कुछ और ना पकड़ लें हम। ये है सिस्टम, ये है सिस्टम, पूरा ऐसा मुट्ठी फैला के पकड़ना होता है। चलो भाई साहब, बैक टू बैक दो केकड़े मिल गए। अंकल जी कहाँ चले गए? तो उनको केकड़ा मिलेगा, वो कैसे पकड़ेंगे, कहाँ रखेंगे? घेरा भी है क्या बीच बीच में? ये क्या है? चला गया। था क्या? चला गया। केकड़ा तो नहीं था वो? केकड़ा नहीं, वो क्या बोलते हैं, चिंगरी। चिंगरी है। वो भी खाते हैं? मच्छी था भाई साहब। भाई की नज़र तो बहुत तेज है, मेरे को अभी तक एक नहीं दिखा, भाई ने दो पकड़ लिए। ओ भाई, एक मच्छी मिल गई है, ये वाली शायद इसको पकड़ रहे हैं मेरे भाई लोग, इसको पकड़ेंगे। निकल गया, भाई साहब सीधा हेड शॉट, एक ही शॉट में मार दिया अंकल ने। क्या बात है अंकल, ओपी अंकल, अंकल ओपी हो जाए चैट में। और एक केकड़ा, चार मिल गया। सुबह तो अच्छी है, लग रहा आज हम थैला भर के जाएंगे। बहुत तकलीफ ज्यादा हम लोग, हाँ बहुत काफी खाया है। बहुत स्लिप खाया है। सही बात है। यहाँ पे गहरा लग रहा है। मैं पीछे पीछे चल रहा हूँ। बच गई। भाई साहब ये पत्थर भी बहुत स्लिपरी है। नहाने का मन कर रहा है। भाई साहब अकेले हूँ ना मैं, कभी ना हूँ ऐसे जंगल में, वो तो साथ मेरा एक बंदा भी हो ना, मुझे फुल कॉन्फिडेंस रहता है, मैं कहीं भी जा सकता हूँ। कोई बस ये बोल दे कि कुछ नहीं होगा, मैं हूँ चल, तो मैं कहीं भी जा सकता हूँ साला। चप्पल इधर दे दो ना। चप्पल लगभग हम भाई पानी के अंदर है ना, 2 किलोमीटर आ चुके हैं और हमने लगभग 10 से 12 केकड़े पकड़ लिए हैं। भाई सब ये पानी में चलना
वो पहाड़ पे चलने से ज्यादा रिस्की लग रहा है मेरे को। यहाँ पे ना एक पत्थर है, पता नहीं कौन सा पत्थर है, ये पत्थर है, ये भाई इतना चिकना है ना, ये देखो इसमें से कुछ निकल भी रहा है, ये इतना चिकना है, इसमें पैर रख रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि जैसे तेल में पैर रख दिया हो, इतनी बुरी तरीके से पैर स्लिप हो रहा है। तो भाई ने एक टेक्निक बताई है कि कैसे पैर रखना है, मतलब ना पहले पैर को ऐसे जमाना है, ठीक है, देखना है कि स्लिप हो रहा है कि नहीं हो रहा, अगर स्लिप नहीं हो रहा, अगर स्लिप नहीं हो रहा तो फिर आगे पैर रखना है, ऐसे करके चेक करना है, नहीं हो रहा स्लिप अब पैर रखो, इस तरीके से चलना है। भाई साहब बहुत सीख, बहुत कुछ सीख लिया आज एक के दिन में। ये पत्थर है वो भाई साहब, बहुत स्लिपरी है। हाँ हाथ हाथ ऊपर में हाथ रख दो, ऐसे हाँ रख दो, रख दो भाई साहब, डर लग रहा है यार बहुत ज्यादा उसको देख के। ऐसे रख दो ना, ऐसे रख दो, ऐसे करो, ऐसे करो ना, ऐसे ऐसे हाँ, ओ पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया भाई साहब, चलो एक तो पकड़ा। क्या खतरनाक रास्ते हैं यार, मिला क्या का मैडम, दो बार बच गया वो भाई साहब। ये अंकल ने पता नहीं कौन सी मछली पकड़ी है, बड़ी देखने बड़ी अच्छी सी लग रही है। समुद्र का समुद्र में बड़ा होता है ना। आ, अच्छा ये वो है, क्या नाम है इसको, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बताओ यार कमेंट बॉक्स में क्या बोलते हैं इसको। कहाँ दिखे, दिखे नहीं रहा, ये रहा नहीं तो ये सूट जाएगा। हाँ ठीक है भाई साहब, मेरे को तो पकड़ने में डर लग रहा है इनको। डर खुला नहीं मेरा अभी तक इसका, एक ही पकड़ा ना मैंने अभी। गिर गया, एक और था क्या, पका दे भाई, मछली दी थी अभी, अब मछली को पकड़ेंगे मारेंगे उसको कट करके। गया बहुत बड़ा मिल गया ये तो। सक्सेस सक्सेस रेट 100%। साहब देख रहे हो क्या बड़ा केकड़ा पकड़ा है, ये रात में त्रिपुरा के जंगलों में ना हम ये केकड़ा पकड़ने आए हैं भाई साहब,
भाई मेरा डर भी खुल गया भाई केकड़ा पकड़ने का। मैं बहुत देर से ट्राई कर रहा था, मैं पकड़ नहीं पा रहा था, लेकिन फाइनली मैंने पकड़ लिया। एक टेक्निक होती है ना इसको पकड़ने की, उस टेक्निक से पकड़ना होता है। चलो इसको आप अपने बोरी में डालते हैं। प्रेशर दे दो, पूरा हाथ प्रेशर दे दो। हाँ हाँ कट्टा कट्टा तो कट्टा गए, कट्टा कट्टा दिखाओ इधर। तो भाई फाइनली एक और केकड़ा पकड़ लिया, देख रहे हो कैसा है भाई। इसको पकड़ने की टेक्निक होती है, पीछे से पकड़ना पड़ता नहीं, आगे से आपको पकड़ लेगा। काफ़ी केकड़े पकड़ लिए, अभी और भी पकड़ने। ये कट्टा पूरा भर के लेके जाना भाई साहब, जितनी परेशानी हुई है ना यहाँ पे आने में, पूरे खरोचे खरोचे लग चुकी है, ये कट्टा भर के ही जाएंगे। चलो जैसे कि केकड़ा मिल गया, उसको एक अंगले से आप प्रेशर करते हैं ना, उसको प्रेशर करने, एक अंगले से प्रेशर करने से वो छूट भी सकते हैं भरे वाला होने से। तो उसको ऐसे प्रेशर देने से हथेली से तो वो हिल नहीं पाएगा, तो आराम से धीरे से इस दो अंगले से पकड़ सकते हैं। बुरे अंगल ये मिडिल फिंगर है, उसमें से ऐसे उसका हाथ जो है ना उसको ऐसे पकड़ देना, तो आराम से उठाए। तो भैया हमारी ट्रेनिंग भी चल रही है साथ साथ। मेरे हिसाब से तो यही ट्रैवल होता है, यही चीज़ें होती है कि आप जा रहे हो उनके कल्चर से रूबरू हो रहे हो, उनके साथ में इस तरह के एडवेंचर कर रहे हो। भाई मेरे हिसाब से यही ट्रैवल होता है, आपके हिसाब से क्या ट्रैवल होता है? मेरे को इसी तरह का ट्रैवल करना पसंद है, इसलिए मुझे ना सोलो पसंद है। ऐसे किसी के साथ में मैं ट्रैवल करूँगा ना तो मैं ये एक्टिविटी नहीं कर सकता हूँ। काम क्या, लाइट लाइट नीचे मारो। रुक नहीं पाएगा ऐसे ऐसे, पूरा पूरा हाथ, पूरा हाथ फैल देना, पूरा हाथ ऐसे ऐसे फैल देना, नहीं पकड़ लेगा आपको ये। पकड़ लेगा ये, देखो हो गया ना। हाँ ओ ठीक, चलो पकड़ लिया भाई साहब मैंने चार पांच केकड़े आज। दो प्रेशर दो यहाँ, हम लोग खाते हैं। झरना भाई साहब, नदी में घूमते घूमते हम एक झरने के पास में आ गए, सामने एक झरना, आपको आवाज़ आ रही होगी। रास्ता पता है हमें वापस जाने का? तो भाई साहब बहुत सारे हमने केकड़े पकड़ लिए और अब वापस निकल रहे हैं, नदी से निकल गए हम लोग, नदी एरी ठीक है। अब हम ऐसे जंगल के रास्ते होते होते जाएंगे और हमने काफ़ी सारे केकड़े पकड़ लिए। कितने केकड़े होंगे? अरे बाप रे बहुत सारे हैं, तो ऊपर की तरफ को आ रहे हैं। तो चलो मेरे पिताजी का बहन का पति है मामा। क्या चलो भाई आज के लिए पैकअप, थैलों को अब गांठ मार दिए क्योंकि अब हम एग्जिट कर रहे हैं यहाँ से, अब कोई केकड़ा नहीं मिलेगा क्योंकि अब हम चढ़ जाएंगे पहाड़ों पे ठीक है। तो हाथ पैर धो लेते हैं अंदर। पाँच से छः बार गिराऊंगा पानी में, मुझे लग रहा था हाथ पैर टूटेंगे लेकिन सही सलामत निकल गए यहाँ से। चलो उस साइड में जो ऐसा अभी पहाड़ चढ़ के जाना है तो अभी कह नहीं सकते, अभी पहुँचे नहीं, अभी हम घर पे अपने। भाई लोग तो चले गए तेज तेज। अभी गड्ढे में पैर जाता मेरा। हम रहे
तो भाई फाइनली हम लोग रोड पे आ चुके हैं और लगभग ना हम लोग 7 बजे गए थे और 10 बजने वाले हैं। 3 घंटे हम लोग जंगल में रहे थे भाई। और भाई प्रॉपर लक है भाई, मतलब रास्ते ऐसे थे ना कि एक पैर थोड़ा सा इधर उधर हुआ ना, पता नहीं कहाँ जाते। चलो अच्छा एक्सपीरियंस था, कुल मिला के मज़ा आया। जो भी घर पहुंच चुके हैं केकड़े वगैरह लेके, केकड़े का थैला यहाँ रख दिया गया है, ठीक है। काफ़ी मज़ा है यार, और ये जो एडवेंचर है भाई ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा, बड़ा मज़ा आया भाई कसम से। ठीक है, अगर ऐसी और एडवेंचर देखने हैं ना मेरे इस नॉर्थ ईस्ट सीरीज़ में तो मेरे को भाई सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपको लगता है कि आपने कुछ नया देखा कुछ अलग देखा तो कमेंट कर दो भाई। और एक कमेंट नहीं चाहिए मेरे को, मल्टीपल कमेंट चाहिए, कम से कम एक एक बंदा 5-5-10 कमेंट कर दो भाई, भर दो कमेंट बॉक्स, ठीक है, आग लगा दो कमेंट बॉक्स में। और मल्टीपल कमेंट करोगे सेम रिपीटेड कमेंट मत करना, अलग अलग कमेंट होने चाहिए अलग अलग वर्ड में, ठीक है। ठीक है भाई, तो भाई जो केकड़े पकड़ के आए थे ना वो ये रहे, खांगराई ऐसा क्या बोलते हैं अंकल आपकी लैंग्वेज में, आपकी भाषा में खांगराई, खांगराई रियांग भाषा में, रियांग भाषा में। अच्छा क्या चला गया आपका, तंबाकू वम्बाकू खा लेंगे दोस्त हो जाएंगे काफी हो गया यार ये तो। इनको पकाते कैसे हैं, उबाल के ऐसे उबाल देते हैं इनको कि हाथ पैर तोड़ते हैं इनके पहले, हाथ पैर तोड़ के भाई साहब ठीक है। तो अभी के लिए ब्लॉग को इतने रखते हैं, आई होप कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। बहुत जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक एडवेंचरस से ब्लॉग के साथ में, जब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए देखते रहिए अपने भाई का चैनल को मकर इंडियंस। बाय बाय।